अगली खबर आ रही है सागर से, जहां खुरई रोड स्थित भाग्योदय परिसर में कोबरा घुस गया। सांप देख मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सांप परिसर में पड़े पानी की पाइपों में घुस गया, जिसके बाद परिसर में काम कर रहे मजदूरों ने पाइप को दोनों तरफ से बंद कर दिया और तुरंत स्नेक कैचर अकील बाबा को सूचना दी। खबर मिलते ही स्नेक कैचर अकील भाग्योदय पहुंचे, जहां उन्होंने सांप का रेस्क्यू शुरू किया। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया गया। जैसे ही सांप को पकड़ा तो उसके स्नेक कैचर को फुफकार मारी। गुस्साए सांप को स्नेक कैचर ने फन पर थप्पड़ मारा तो उसने जमकर फुफकार मारी। कोबरा की फुफकार सुन मौके पर मौजूद लोग घबरा गया। स्नेक कैचर अकील ने बताया कि भाग्योदय परिसर से पकड़ाया सांप कोबरा प्रजाति का है। वह करीब 4 फीट लंबा है। कोबरा बेहद जहरीला सांप होता है। यदि किसी को डस ले तो 5 से 7 मिनट में उसकी मृत्यु हो सकती है। ठंड के कारण सांप बिलों से बाहर आ रहे हैं। सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। यहाँ भागोदा से पाठक जी का फोन आया था कि यहाँ पर एक पाइप के अंदर सांप है। यहाँ का देखा तो ये करीब 20 फीट लंबे पाइप के अंदर जो है ना कोबरा प्रजाति का सांप था, जो करीब 4 फीट लंबाई है और ब्लैक कोबरा है, पकड़ लिया। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया